सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राम सिंह प्रजापति आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो हम आए हुए हैं अपने गांव के एक नेशनल हाईवे के बगल में, जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी को हम दिखाते हैं, नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में आए हुए हैं। और ये जो बगल का जो रास्ता आप सभी देख सकते हैं, ये बबूर का पेड़ है, और ये बबूर का पेड़ जो है आधा छाप कर रखा हुआ है, आधे में खुला हुआ है। देखिए, आप जो ये लकीर दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं लकीर के इस पार भी रोड है, लकीर के उस पार भी रोड है, लेकिन आधा जो है बबूर खा जाता है रोड, और आधा जो है उस तरफ रोड है। तो आप सभी को दिखा देते हैं, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में है, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ का लोकेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी हरियाली है, और हरियाली के बीच में आज हमें आने का मौका मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हमारे गांव से लगभग आपको 2-3 किलोमीटर की दूर पर पड़ता है ये, 2-3 किलोमीटर क्या लगभग पड़ जाता है, 5-6 किलोमीटर की दूर पर, तो ये 2-3 किलोमीटर की दूर पर हाईवे पड़ता है। हाईवे से कुछ मतलब कि हाईवे पर चढ़ कर कुछ दूर पर आए हैं, लगभग जहाँ से हमारे घर से 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है, तो वहाँ से काफ़ी दूर आए हुए हैं, जो कि यहीं पर लोकेशन पर सोचा मैंने कि कोई अच्छा सा वीडियो शूट करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, ये बेहा का पेड़ है, जिसको और किसी के भाषा में कोई और चीज़ बोलते हैं, तो आपके भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लोकेशन है, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आइए। और हमारे गांव के तरफ एक बाढ़ आई थी, तो बाढ़ को देखने गए थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो यहाँ पर भी शूट कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग दिखाना हमें ज़रूरी अच्छा लगता है। तो आप सभी को बता दूँ कि यहाँ का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और देख सकते हैं, आप सभी को फिर से दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि रोड के आधे पर जो है बबूर का पेड़ जो है लगा हुआ है, और मतलब इस तरफ भी छापा हुआ है, तो इसको अगर प्रशासन कटवा देती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, अगर नहीं कटवाएगी तो दोस्तों यहां पर कोई भी मतलब कि स्टूडेंट वगैरह भी हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं, इधर तक तो ठीक है, लेकिन उधर जो है उधर बहुत ही ज़्यादा है, उधर से पूरा लाइन से पूरा उधर तक जो है काफ़ी बेकार हो चुका है, तो प्रशासन अगर इसे कटवा देगी तो यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो रात में मतलब कोई भी जानवर वगैरह यहाँ पर छिपे रहते हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी वगैरह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको दूसरा पार्ट इसका चाहिए, हाईवे के बगल वाला ब्लॉग, तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, तो आपके कमेंट के हिसाब से हम लोग जो है ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।